नमस्कार राजगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है हम बातचीत कर रहे हैं जयपुर घराने की जानी मानी कथक नृत्यांगना गुरु प्रेरणा श्रीमाली जी से कल हमने जाना उनके नृत्य की तालीम के शुरुआती दिनों के बारे में आज और विस्तार से बात करेंगे कलाओं के अंतर संबंध पर और उसके अलावा एक गुरु के तौर पर कौन सी चीज़ है जो वो हमेशा अपने शिष्य को समझाती हैं बताती हैं कि उन्हें नहीं करना है मुझे ये याद आता है कि मैं '99 में जब दिल्ली आया था तो तब से तब तब, तब आपका दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाकर डांस करना कथक के कार्यक्रम करने की शुरुआत बहुत अच्छी खासी हो चुकी थी मैं ये जानना चाहता हूं कि वो शुरुआत के एक दो कार्यक्रम बताइए जो भारत में हुए और जिसके बाद आपको लगा कि हाँ वो जो ये जो थॉट आप लगातार बार बार कह रही हैं कि मुझे तो नाचना ही है तो वो वो जो कार्यक्रम जिस कार्यक्रम के बाद लगा हो कि नहीं मैंने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था और अब मुझे कहीं से कोई डाउट अगर एक आध परसेंट था भी तो वो भी क्लियर है कि नहीं है मुझे डांस ही करना है देखिए ये तो आ, मुझे समझ में आ गया था कि मुझे डांस ही करना है जब मैंने अपना आ, कोर्स खत्म कर लिया जब मैंने कथक केंद्र में कोर्स कर रही थी तब तक तो मैं मेरे मेरे सामने बहुत ऑप्शंस खुले हुए थे इतने विकल्प थे कि क्योंकि मुझे आईएएस बनना था और मुझे बहुत सारी पढ़ाई वढ़ाई करनी थी और ये सारे काम करने थे जो मैं नहीं किया मैंने जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होके रिजल्ट आ गया और पापा मुझे लेने आ गए और हम लोग घर वापस जयपुर आ रहे थे और मैं पापा की पापा आए नहीं थे तो मैं गाड़ी का इंतजार कर रही थी तो बैठे बैठे मुझे उस समय हॉस्टल के रूम में ये ख्याल आया मुझे वो पूरा विजुअल अभी भी याद है कि कि मुझे कब एकदम स्ट्राइक किया कि मेरे को तो डांस ही करना है मैं जयपुर जाके क्या करूंगी सो so ये 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 थॉट तो वहां आ गया था अब ये बात अगर आप पूछ रहे हैं कि मैंने डांसर बनके ठीक किया या नहीं किया तो वो तो मुझे अभी भी संशय होता रहता है ये नहीं, नहीं पूछना पूछ... चाह रहा था मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि शुरुआत के जो आपके एक दो बड़े कार्यक्रम रहे हो बिल्कुल इनिशियल उनके बारे में हाँ। कुछ याद आता हो तो बताइए जैसे आ, मेरा सबसे बड़ा आ, मुझे जो मौका सबसे पहले मिला वो खजुराहो में जाने का मिला। समारोह में और क्योंकि मैं 85 में सबसे पहले गई खजुराहो और आ, उस समय खजुराहो बहुत बड़ी चीज होती बहुत बड़ी चीज थी।, थी बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था बहुत बड़ा समारोह हो होता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उस प्रेस में उसका सारा पब्लिसिटी होती थी और उस समय तो दूरदर्शन एक ही होता था तो उसपे उसकी उसका प्रोग्राम बन के कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था उसका प्रोग्राम बन के और सेल बनके पूरा एक कैप्सूल आता था तो वो उसमें आपको फीचर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी तो मुझे 85 में और उस समय ये क्योंकि मैंने 84 में तो अपना 83 में मैंने कोर्स कंप्लीट किया है कथक केंद्र से और 84 में मेरे गुरुजी की डेथ हो गई और 85 का ये तो 84 में गुरुजी की डेथ से पहले टेलीग्राम आया था क्योंकि उस समय टेलीग्राम आता था तो खजुराहो में मेरे को इनवाइट करने के लिए टेलीग्राम था और वो गुरु ने रिसीव किया था और गुरुजी ने जब मेरी क्योंकि कथा केंद्र में आया था तो मैं छुट्टियों में घर पे गई हुई थी तो मेरे गुरुजी ने रिसीव किया था और उन्होंने बहुत खुश होकर मम्मी को फोन किया उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे तो मम्मी को बताया और मैं कहीं घर में नहीं थी तो मम्मी ने जब मुझे ये बात बताई कि तुम्हारे गुरु जी का फोन आया था और तुम्हें इस बार खजराहो बुलाया गया मैंने कहा मम्मी आप पागल हो गए क्या आपका दिमाग ठीक है मेरे को कौन हो बुलाएगा सवाल ही नहीं उठता तो उन्होंने कहा कि गुरु जी का फोन आया था टेलीग्राम आया है उन्होंने कहा है, अब बताऊंगा मैं कि जयपुर कैसा होता है जयपुर का नाच कैसा होता है ऐसा उनको खुशी हुई थी बहुत और पर वो रहे नहीं उसके लिए और क्योंकि उसी जुलाई में उनकी डेथ हो गई एटी फोर में और एटी uh, फाइव मार्च में मैं परफॉर्मेंस के लिए गई क्योंकि छः सात महीने पहले से आपको इंडिकेशन आते थे कि प्रोग्राम में जाना है और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था और uh, मैंने मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके और वहाँ uh, मैंने पूछा वहाँ के क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन सेंटर से बहुत वाकिफ रही हूँ क्योंकि पापा उसी में रहे इसलिए तो मैंने वहां जाकर पूछा कि खजुराहो में इस बार कौन कलाकार हैं तो उन्होंने जब मेरा नाम लिया उसमें लिस्ट के अंदर तो मेरी तो धरती पैरों से खिसक गई मैंने कहा है सच्चे ये तो सच बात है कि मुझे बुलाया जा रहा है तो दैट वॉज माई फर्स्ट बिग एक्सपीरियंस की मुझे बेहद uh, मतलब कहना चाहिए कि भरोसा ही नहीं हुआ था ये मुझे कैसे बुला लिया गया और मुझे क्यों बुला लिया गया क्योंकि ये सारी बातें भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि फील्ड में चलती हैं कि भाई सब जगह आपको कहीं अप्रोच आप से बुलाया जाता है कहीं आपको कोई सिफारिश से बुलाया जाता है तो मैं तो किसी को जानती ही नहीं थी और इसलिए मैं मुझे जब बुला लिया गया तो मैं हैरान परेशान थी सो देट वॉज माई फर्स्ट एवर और मुझे मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी तो एक क्योंकि उसी साल उन्होंने युवा कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया था खजराहो में और उसमें मुझे जाने का मौका मिला था फिर तो मैं एटी सेवन में भी गई फिर मैं नाइनटी में भी गई फिर मैं टू थाउजेंड में गई और उसके बाद से कभी नहीं गई <laughs> तो ये मेरा पहला बड़ा परफॉर्मेंस था और मुझे अः वहां करके अचानक आपको लगा कि तो स्टार हो गए क्योंकि दूसरे दिन जब वो खजुराहो के मंदिरों के उसमें बैकग्राउंड में जब आपकी फोटोग्राफी वगैरह होती है और पूरा इंटरनेशनल प्रेस होता है आपके सामने तो सडनली आपको लगता है कि आपने कुछ सार्थक किया है <laughs> सो वो आप मुझे आपने, आ, आपने भी कहा कि आई एस बनना था एक चीज आप भूल गई आपको तो कभी भी बनना था नहीं देखिए कवि तो क्या मतलब वो तो आप बन सकते हैं वैसे भी और बंद तो जाना चाहिए था मुझे कायदे से सबसे पहले तो वही था कि कवि होना था और, और शायद मैंने आपसे कभी शेयर भी किया होगा कि मैं जा के और छत पे बैठ जाती थी शाम को तो मुझे लगता था कविता है बेवकूफिया शुरू में पूछी है उसमें एक ये भी थी कि मैं ऊपर जाके छत पे शाम को बैठती थी, थी और मुझे लगता था आज तो मतलब कोई ना कोई कविता मेरे अंदर जरूर आ जाएगी तो वो आ, और ऐसा नहीं है कुछ लिखने की कोशिशें भी करती रही हूं मैं पर वो शायद सभी करते हैं कोई बड़ी खास बात नहीं है तो कविता थोड़ी समझ में आई तो लगा कि बेकार है छोड़ो तो <laughs> so, कवि होना था वकील भी होना था और आई भी होना था और कुछ नहीं हो के मैं नृत्यांगना बन गई शायद वही सबसे बेहतर मतलब अब कथक के लिए कहा जा सकता है कि वही सबसे बेहतर हुआ नहीं कथक के लिए मुझे नहीं पता ये तो बड़ी बात है पर मेरे अपने लिए लगा मुझे कि क्योंकि नृत्य नहीं करती मैं तो शायद मेरा जीने का तरीका ये नहीं होगा और मैं जीवन को उस तरह नहीं देखती जिस तरह मैं अब देख पाती हूं ऐसा मुझे लगता है तो ये एक भी है आप आपने कविता का जिक्र किया और चूंकि जो आपके तमाम सारे कार्यक्रम हैं उनमें से कुछ के बारे में अगर मैं बात करूं तो कलाओं के अंतर संबंध जो है आ, पेंटिंग हो आ, कविता हो और उसके साथ साथ कथक हो उसकी जो सबसे अच्छी समझ रखने वाले या जो बहुत मेच्योर समझ रखने वाले कलाकार हैं उनमें आपकी गिनती होती है आ, थिंकिंग आर्टिस्ट कह लीजिए या कह लीजिए कि एक ऐसा कलाकार जो आ, इन चीजों को इक्वली समझता है कविता को भी बहुत अच्छी तरह समझता है पेंटिंग को भी समझता है और कथक तो खैर उसका डोमेन है ही इन अंतर संबंधों के बारे में बताइए और क्या इससे एक दूसरे की चीजों को समझना आसान हो जाता है और ज्यादा लुत्फ आता है समझना यानी अगर आपको अच्छी कविता आ, मिल जाए तो क्या पेंटिंग और अच्छी हो सकती है या नृत्य और अच्छा हो सकता है कैसे हैं ये अंतर संबंध आपके हिसाब से कहते हैं ना कि कवि कोई भी कला अकेले तो चलती ही नहीं है वो किसी की दूसरे की दूसरे छाया लेकर चलती है और किसी एक कला कला को आप जब तक दूसरी का का की आधार आपके पास नहीं हो आप नहीं समझ सकते ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आ, मुझे एक बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट सूझा था मेरे मुझे एक आ, कहीं कुछ वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया था तो मैंने ये आर्ग्यूमेंट तभी एक कलाओं के अंतर संबंध की बात थी तो मुझे एक अच्छा आर्ग्यूमेंट अपने ये सूझा था कि आप जब किसी एक कला की तारीफ करते हैं तो आप हमेशा दूसरी कला के माध्यम से करते हैं आप कभी भी ऐसा नहीं कहते कि जैसे वो तुलसी ने कहा ना कि राम को राम की तरह ही देखना पड़ेगा वो नहीं है नृत्य को आप शिल्प की तरह देखते हैं या आप नृत्य में संगीत देखते हैं या संगीत में नृत्य दिखाई देता है या आपको तो तो शिल्प में नृत्य दिखता है और आप जब तारीफ करते हैं तो लयात्मकता आपको शिल्प में नजर आती है जो कि एक पूरा स्थूल चीज है एक पत्थर है उसमें आपको लगता है कि लयात्मकता है तो वो लय कहाँ से आती है या आपको नृत्य में कविता दिखाई देने लग जाती है या कविता में आपको नृत्य दिखता है या संगीत सुनते हैं आलाप सुनते हैं और कोई चित्र उभरते हैं आपके मन मानस में तो ये अः और अंततः मतलब मुझे लगता है अल्टीमेटली मैं इसीलिए शायद कवि होना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है जो अल्टीमेट रचनात्मकता है वो काव्य में है ऐसा मुझे लगता है और इसीलिए वो काव्य जो है वो कवितात्मकता या कविता कहना चाहिए तो वो कविता एक तरह का मेटाफर बन जाती आप जब किसी चीज को बहुत अच्छा कहना चाहते हैं तो आप पोएटिक कहते हैं कि पोएटिक रेंडिशन क्या काव्यात्मक चीज की है तो वो वहां पे कावे से मतलब कावे नहीं है। वहाँ पे उसकी बहुत ही उत्कृष्ट रचनात्मकता है शायद तो मुझे ये लगता है कि ये सारी जो जैसे मैं अगर मैं पेंटिंग नहीं देखना मेरी मेरा मन नहीं होता उनको देखने का या मुझे अच्छा नहीं लगता तो बहुत सारी ऐसे मुद्राएं या ऐसी स्थितियां जो मेरे नृत्य में उभरी वो नहीं उभरती मैंने कितनी सारे चाहे वो मिनिएचर्स हैं चाहे वो आ, बड़े कैनवस हैं मैंने बहुत सारी चीजें यूं की नृत्य में मुझे क्योंकि जब आप ये सब देखते हैं तो जब आप अपने माध्यम में काम करते हैं तो अचानक वो फ्लैश की तरह आपके सामने आने लगा मतलब मैं अगर एक मैं एक ठुमरी की मैं एकदम आपको बताती हूँ कि मैं एक ठुमरी की को तो कुछ कोरियोग्राफ कर रही थी अपने ही लिए और उसके शब्दों और सबको संगीत में सडनली मैंने एक पोज बनाया और मुझे ध्यान आया मैंने कहा अरे ये तो मैंने एक पेंटिंग देखी थी ऐसी तो ये जो बात है कि आपको वो चीज सूझने लग जाती है या अगर आपने कोई कविता सुनी है कविता में ये है कि अः मुझे एक्जैक्टली exactly शब्द नहीं मालूम पर उसमें कुछ ऐसा ध्वनित होता है कि आ, फूल की जो हरी पत्ती है उस पत्ती की नोक पे जो उसकी बूंद गिरती है उससे लगता है सवेरा हुआ तो उस नोक पे जो जो तो ये जो ये जो इतनी बारीकी है कि आपको वो उसकी बूंद और पत्ती की नोक पे गिरी हुई उसकी बूंद की जो थपक है उससे आपका सवेरा होता है तो ये जो बारीकी है ये बारीकी फिर आपको काव्य से ही तो आप ला पाते हैं कहीं ऐसा मुझे लगता है तो या जैसे मैंने रजा साहब की पेंटिंग्स के साथ काम किया तो समझ में आने लगा कि अमूर्त क्या होता है और अमूर्त बहुत ही कम मतलब एक तरह का बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है कि नृत्य की तो देह है पूरी जो बॉडी है आपकी उस बॉडी बॉडी अपने आप में बड़ी इमेज है और उससे आप एक अमूर्त पैदा करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पैदा होता है सो so, उनकी पेंटिंग देखी तो भी और उनके साथ जब काम करने लगी तो बहुत सारे आ, ऐसे मूवमेंट मैंने मैं बना पाई जो शायद अगर वो पेंटिंग के साथ काम नहीं करती तो नहीं होते मेरे नाच में तो ये जो आपसी तालमेल है और मुझे लगता है अगर ये नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं क्योंकि आ, कथक में, से, बल्कि में ही होता है कि जब आप किसी काव्य पे काम करते हैं तो केवल नृत्य समझ लेने से काव्य पे काम नहीं होता है कविता भी पूरी तरह समझने समझना पड़ेगा आपको कविता को कैसे अप्रोच करना है कहाँ से पकड़ना है किस तरह से पकड़ना है किस तरह से उसे आ, अनुवाद क्योंकि खाली आपको मुद्राओं का मुद्रा में अनुवाद नहीं करना है कि फूल है तो फूल कह दिया या हरण है तो ऐसे कह दिया या नैन है तो नैन बता दिया पर इन सबको मिला के क्या बन रहा है किस तरह से आप उस कविता में नए अर्थ खोज पा रहे हैं या नहीं क्योंकि अगर आप अपने माध्यम से किसी कविता में या किसी भी संदर्भ में कोई भी चीज अगर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या साहित्य को ले रहे हैं या पेंटिंग को ले रहे हैं तो उसको अगर आपके नृत्य से कोई नया अर्थ मिलता है तो सार्थकता बनती है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है तो इसलिए ये अंतर संबंध के बिना मुझे नृत्य अधूरा लगता है तो मैं तो इसे बिल्कुल इसी तरह देखती हूँ कि इसके बिना और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि उनको और वो जाते भी हैं कि एग्जीबिशंस भी देखना है तो उनको संगीत भी सुनना है तो उनके दूसरे फॉर्म्स भी देखने हैं और उनको कविता पढ़नी है जो कि बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए कई बार क्योंकि हमारा आज का आज का पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत अलग हो गया है और खासतौर से अगर मैं हिंदी काव्य की बात करती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए क्योंकि आज की पढ़ाई जिस तरह होती है पर इसके बिना वो अधूरा है ये तय बात है मुझे एक चीज और बताइए कि एक एक कथक का चूंकि हम लोग विषय वस्तु पर ही लगभग लगभग बात कर रहे हैं एक विषय वस्तु है पारंपरिक जिसमें श्रृंगार की चीजें हैं या भक्ति की चीजें हैं और आजकल जब मैं युवा कथक कलाकारों से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं कि उनकी नृत्य की विषय वस्तु क्या होती है तो वो पारंपरिक चीजों के साथ साथ कोई कहता है कि हम वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं या कोई कहता है कि हम पोल्यूशन पर काम कर रहे हैं या कोई कहता है कि हम एच अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं ये जो विषय है ये जो कह सकते हैं कि ये आ, समकालीन विषय जो हैं उनको कथक में ले आना उन पर नृत्य करना इसको एक सीनियर आर्टिस्ट के तौर पर आप कैसे देखती हैं क्या सिर्फ वो विषय वस्तु हावी हो जाती है नृत्य पर या आपको लगता है कि ऐसे विषय वस्तु के साथ भी कथक को जस्टिफाई किया जा सकता है उसके साथ न्याय किया जा सकता है पहली बात तो मुझे ये लगता है बिल्कुल क्लियरली कि हर विषय नृत्य के लिए नहीं होता हर माध्यम की अपनी छोटी बड़ी जैसी भी है कुछ सीमा तो होती है कुछ एक परिधि तो बनती है चाहे वो काफी विशाल हो और उसके अंदर आपको पूरी छूट मिली हुई है पर फिर भी एक पेरेफरी है एक एक दायरा है जिसके अंदर तो क्योंकि अगर आप हर सब हर सब्जेक्ट को अगर आप लाना चाहेंगे नृत्य में तो कहीं ना कहीं समझौता आपको पक्का करना पड़ेगा ये तो पक्की बात है रही बात इस तरह के सब्जेक्ट की कि अगर आप वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं या पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इनको जब आप नृत्य में खोजने की कोशिश करते हैं और खोज लेते हैं तब तो बात बन जाती है कि अगर आपने पोल्यूशन की बात की और कहीं आपने एक रेफरेंस दे दिया कि आ, क्योंकि नृत्य में तो कृष्ण को नाचते ही रहे हैं और कालिया दमन तो करते ही रहे हैं तो जमुना में कालिया का होना और उसका वायु जल प्रदूषण होना तो बहुत आपस में मेल खा सकता है तो या तो आप इस तरह की बात खोजने की कोशिश कर रहे हैं नृत्य में मुझे ऐसा लगता है और क्योंकि जब तो उसको एक थोड़ी डेप्थ मिल जाती है गहराई आपके सामने उसकी आ जाती है और आपके सामने एक दायरा बड़ा खुल जाता है क्योंकि जितना हमारी आ, मतलब एक बड़ा अद्भुत है कि आ, आज के जितने संदर्भ हैं वो अधिकतर अधिकतर आपको अपने पिछले सारे आप वैदिक काल से आ जाइए पुराणों तक आ जाइए आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और चाहे आज की आज आप देखें कि अगर आप महाभारत को या इसको देखें तो महाभारत के जितने चरित्र हैं उनमें अगर हम आज की समाज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उस सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से तो वहां कुछ नहीं हुआ जिस जो शोक जो सामाजिक हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से तो महाभारत में कुछ हुआ ही नहीं कौरव और पांडव पैदा ही नहीं हुए या द्रौपदी के पांच पति कैसे हो गए तो ये जो इतना खुलापन हमारे साफ हमारे सामने वैसे ही अवेलेबल है अगर आप उसे देख पाते हैं या कैसे नियोग की प्रथा हुई और उसके अंदर सारे लोग पैदा हो गए और पूरा पूरा वंश चलाना है तो उसके लिए ये सब करना जरूरी होगा तो ये सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि अगर आप उनको इस तरह से जोड़ सकें तब तो वो कुछ अच्छा बनता नहीं तो फिर एक वो तरह नरेटिव बन जाता है उसमें ड्रामा ज्यादा होता है और डांस कम हो जाता है ये मेरा अपना मानना है और रही बात अगर मैं ये कहूं कि अगर आप एड्स पे कुछ कर रहे हैं या आप रेप पे कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट नृत्य के लिए नहीं है बहुत क्लियरली मुझे लगता है क्योंकि इसमें आप जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश रेप का संदेश नाच के कैसे दिया जा सकता है वो जितना शिद्दत से नाट्य में जा सकता है या वो फिल्म में तो जाता ही है तो समझ में आता है पर नृत्य में जैसे मैंने एक प्रोडक्शन देखा था जब दहेज के लिए बहुत सारी हत्याएं हो रही थी और वो एक बड़ी नृत्यांगना ने किया था दिल्ली में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था इसलिए कि स्टेज पर क्योंकि स्टेज के स्थेटिक्स होते हैं नाट्यशास्त्र ने कहा है कि हमारे हमारी जो रस की थियोरी है उस, उस रस सिद्धांत में ये कहा गया है जो शास्त्रीय सिद्धांत है रस का जो साहित्य और अन्य कलाओं सभी पे एक साथ लागू होता है उसमें ये कहा गया है कि जो विद्रूप है जो डिस्गस्ट है उसको जब तक कि बिल्कुल ही जरूरी ना हो बाहर ना निकाला जाए वो सामने ना किया जाए क्योंकि डिसगस्ट या विद्रूप क्या उसका दूसरा शब्द है आ, कौन सा रस है ये देखिए मैं बिल्कुल भूल गई हूँ विभत्स विभत्स तो विभत्स जो है वो आपके सामने तभी आना चाहिए जब उसके बिना काम ही नहीं चल सकता ये हमारी रस सिद्धांत हमारा कहता है पर आप अगर देखेंगे कि हॉलीवुड की जितनी फिल्में हैं उनमें तो ईटी फिल्म से शुरू हो गया तो विभत से सामने है सारी और वो धीरे धीरे तो फिर आपको ह्यूमन ब्रेन अमेजिंग होता है कि वो इस तरह धीरे धीरे आप विद्रूपता को देखते देखते उसे प्यार करने लग जाते हैं क्योंकि वो आपको अच्छी लगने लग जाती है ये होता है और हो सकता है तो वहां उस कार्यक्रम में मैंने जिस कार्यक्रम का मैं जिक्र कर रही थी उसमें मैंने देखा कि एक फंदा लटकाया हुआ था फांसी का ऊपर स्टेज से और फिर उसमें एक आ, फिगर जैसा डाल के उसे लटका भी दिया गया जो जो कि मेरे लिए तो बहुत खराब था देखना और मुझे लगा कि क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट पे जब आप काम करते हैं वाटर पे काम करना बिल्कुल पॉसिबल है और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने भी किया है जल पे काम और इसलिए कि जल के इतने सारे रूप निकलते हैं आपके आसपास और अगर आपको अपना माध्यम समझ में आता है और उसमें आपको सूझता है तो फिर आप उसमें अनंत संभावनाएं दिखते देख सकते हैं पर इन सारे सब्जेक्ट्स पे मुझे लगता है कि जो आपने जिक्र किया वो उसमें ज्यादातर आप नरेटिव ही करेंगे आप नरेशन कर रहे होंगे या तो डायलॉग सुनाई दे रहा होगा या आप खुद माइक लेकर बोल रहे होंगे तो उसको मैं नृत्य से थोड़ा अलग करती हूँ मुझे वो थोड़ा सा रुचता नहीं इस बातचीत का मेरा आखिरी सवाल जो है वो अब जो आपके ढेर सारे शिष्य हैं उनके लिए बहुत जरूरी है और वो बहुत सारे लोग जो कथक सीख रहे हैं कहीं किसी भी गुरु से सीख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है एक गुरु के तौर पर आप जब अपने शिष्यों को सिखा रही होती हैं और एक वो समय आता है जब आप अपने शिष्य से शिष्य को ये इजाजत देती हैं कि अब तुम इंडिविजुअल uh, प्रोग्राम कर सकती हो तुम इतने मिच्योर हो गए हो कि डांस कर सकते हो अकेले जाके मंच सकते हो कौन सी चीज बताती है, कि तुम्हें ये नहीं करना है क्या करना है क्या बताती हूँ oh. <laughs> अच्छा क्या नहीं करना है ऐसा तो मैं आ, होता क्या है कि मेरे साथ रहते रहते मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें समझ ही जाते तो मुझे ऐसा मौका मिलता नहीं है कि मैं उनसे कहूँ कि ये मत करना या ऐसा नहीं करना तो क्योंकि कुछ तो वो मुझे ऑब्जर्व करते हैं और क्योंकि मैं खुद अपने आप में बहुत मैं ऑब्जर्वेशन मेरा बड़ा जबरदस्त रहता है मैं अगर कहीं शायद डांसर होने की वजह से मुझे मैं ज्यादा ऑब्जर्व कर लेती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व भी करती हूँ मेरे अपने स्टूडेंट्स को और वो भी मुझे उसी तरह ऑब्जर्व करते होंगे तो बहुत सारी चीजें तो वो मेरे से देख के सीख लेते हैं बहुत सारी चीजें वो ऐसी भी सीखते हैं जो कहते हैं कि ये हमें गुरु जी की तरह नहीं करनी है <laughs> तो वो वो <laughs> जैसे एक बात जो मैं सामान्यतः सभी कथक डांसर्स के लिए मैं कहती हूँ कि और जो इस समय खास तौर से जब ये मीडिया हमारे सामने मीडियम केवल ये ही रह गया जब बातचीत का तरीका इस पिछले कोरोना काल में तो बहुत सारा कथक पे असर या कहना चाहिए बॉलीवुड का बहुत सारा असर रहा कि उन गानों को लेकर कथक डांसर्स ने जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहकर भी अभिनय कर रहे हैं और वो किसी फिल्मी गाने के ऊपर काम कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ इतना लगता है कि बहुत सोच समझ के इस तरह की चीज करनी चाहिए पहली बात तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो बॉलीवुड का गाना आप देखते हैं वो गाना एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह है जो ढेर सारी एडिटिंग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आप तक पहुंचा है उसे आप एक भी मंच और फिल्म के बीच में ये अंतर तो है कि आपके पास रिटेक्स का टाइम नहीं है ना मंच पर मंच पे आपको रिटेक नहीं आपको एक बार में करना है तो उसमें आप या तो उससे इतना बेहतर कर जाइए कि फिर आपकी तुलना ना हो इतना अलग कर जाइए कि आपकी तुलना ना हो पर अगर आप कहीं इन बिटवीन हैं तो वो बेहतर है कि ना करें क्योंकि उससे आप कथक को भी नुकसान पहुंचाते हैं कथक को भी नुकसान पहुंचाते हैं और कथक के जो अगली पीढ़ी आ रही है क्योंकि हमारे बाद वाली पीढ़ी ने तो थोड़ा समझा है अब उसके आगे जो पीढ़ी आ रही है उसको लगेगा कि ये करना बिल्कुल सामान्य बात है तो हमें जो अपनी तरह से एक संगीत बनाना संगीत संयोजन जो हमें आना चाहिए एक डांसर को गायन वादन नृत्य तीनों चीजें आनी चाहिए चाहे वो कर ना सके पर कम से कम उसका एक समझ उसके अंदर होनी चाहिए बिल्कुल हो सकता है गाना ना आता हो पर कम से कम कान इतना तैयार हो कि आपको या आपको ये पता हो कि मुझे इस राग में ये चाहिए या आपको आपकी किसी कॉम्पोजिशन के लिए कौन सी ताल चाहिए या किस ताल में आपको किस ताल का क्या मूड है ये आपको समझ में आना चाहिए तो इस सब की समझ आपको पैदा होनी चाहिए तो उसके लिए आपको अपने माध्यम पे पूरी पकड़ चाहिए तो जब आप इस तरह के समझौतों की तरफ बढ़ते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं साथ में आप कथक का भी नुकसान करते हैं क्योंकि कथक को बहुत हल्का समझ लिया जाता है जैसे ही वो बॉलीवुड की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं और मैं सामान्यतः सभी कथक के डांसर्स को ये बात कहती हूँ कि आपको बॉलीवुड की चीजों को नहीं करना चाहिए वो अपनी जगह है उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है वो इतना ही सुंदर है इतना ही मेहनत से बनाया गया है और आपका मंच उतने ही मेहनत से दूसरी तरफ खड़ा हुआ है तो उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए ये एक बड़ा नो -नो है मेरी तरफ से बड़े दोनों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और जहां से हमने शुरुआत की थी बातचीत की कोरोना आ, काल है तो इसलिए ध्यान रखिए आप अपना और आ, हम लोग दिल्ली में आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली छोड़ के आप जयपुर चली गई और दिल्ली आप लौट के आइए तो हम लोग को आ, मुलाकात भी हो और फिर बातचीत तो होती ही रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी अपना ख्याल रखें बहुत और आपने बहुत ही अप्रत्याशित सवाल पूछे हैं इसके लिए धन्यवाद आपका कि मैं उसका जवाब भी दे पाई हूँ शायद <laughs> बाकी तो फिर आप देखा जाएगा कि कैसा आप इसको सामने लाते हैं सो धन्यवाद आपका